समीर राजदा दोस्तों रामायण में इन्होंने ही शत्रुघ्न का किरदार निभाए थे। जब रामायण रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन अब वे कुछ इस तरह दिखते हैं और ये 59 वर्ष के हो गए हैं। अरविंद त्रिवेदी दोस्तों इन्होंने ही रामायण में रावण का किरदार निभाए थे। जब 1987 में रामायण रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन अरविंद त्रिवेदी 83 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। जब इस दुनिया को अलविदा कहे तो कुछ इस तरह दिखते थे। सुनील लहड़ी दोस्तों रामायण में इन्होंने ही लक्ष्मण का किरदार निभाए है। 1987 में सुनील लहड़ी कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन अब इनकी उम्र 62 वर्ष हो गया है और अब कुछ इस तरह दिखते हैं। श्याम सुंदर कालनी दोस्तों इन्होंने ही रामायण में सुग्रीव का भूमिका निभाए थे। जब रामायण रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब ये मरे तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका जन्म 1940 को मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 2020 10 अप्रैल को मुंबई में हुआ था। नलिन दवे दोस्तों रामायण में इन्होंने ही कोपकरण का किरदार निभाया था। 1987 में नलिन दवे कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन सिर्फ 50 साल की उम्र में ही नलिन दवे इस दुनिया को अलविदा कह गए और आखिरी समय में नलिन दवे कुछ इस तरह दिखते थे। सौपुर्ल जोशी दोस्तों रामायण में इन्होंने ही लौफ का किरदार निभाए थे। जब 1987 में रामायण रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन अभी 45 वर्ष के हो गए हैं और 45 वर्ष की उम्र में अब कुछ इस तरह दिखते हैं। बशीर खान दोस्तों रामायण में इन्होंने ही अंगद का किरदार निभाए थे। जब रामायण रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन बशीर खान अब कुछ इस तरह दिखते हैं। संजय जोग दोस्तों रामायण में इन्होंने ही भरत का किरदार निभाए थे। जब 1987 में रामायण रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन सिर्फ 40 साल की उम्र में ही इस दुनिया को संजय जोग अलविदा कर गए और आखिरी समय में कुछ इस तरह दिखते थे। विजय अरोरा दोस्तों रामायण में इन्होंने ही मेघनाथ का किरदार निभाया था। 1987 में विजय अरोरा कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन ये सिर्फ 62 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कर गए और आखिरी समय में कुछ इस तरह दिखते थे। बाल धुरी दोस्तों इन्होंने ही रामायण में राजा दशरथ का किरदार निभाए थे। 1987 में बाल धुरी कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन अब ये 80 वर्ष के हो गए हैं और अब कुछ इस तरह दिखते हैं। असलम खान दोस्तों इन्होंने ही रामायण में समुद्र देव का किरदार निभाए थे। 1987 में असलम खान कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन अभी 62 वर्ष के हो गए हैं और अब कुछ इस तरह दिखते हैं। मुकेश रावल दोस्तों इन्होंने ही रामायण में विभीषण का किरदार निभाए थे। 1987 में मुकेश रावल कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन मुकेश रावल सिर्फ 66 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए और आखिरी समय में कुछ इस तरह दिखते थे। उन गोविल दोस्तों इन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाए थे। 1987 में जब रामायण रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन अब 65 वर्ष के हो गए हैं और अब कुछ इस तरह दिखते हैं। दारा सिंह दोस्तों रामायण में दारा सिंह ही हनुमान का किरदार निभाए थे। जब रामायण रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन दारा सिंह सिर्फ 83 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कर गए और 83 साल की उम्र में कुछ इस तरह दिखते थे। सुनील लहड़ी दोस्तों रामायण में इन्होंने ही लक्ष्मण का किरदार निभाया है। सुनील लहड़ी जब रामायण रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन अब सुनील लहड़ी 62 वर्ष के हो गए हैं और अब कुछ इस तरह दिखते हैं। कुलराज राजदा दोस्तों इन्होंने ही रामायण में महाराज जनक जी का किरदार निभाए है। जब रामायण रिलीज हुआ तो कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन जब इस दुनिया को अलविदा कहे तो कुछ इस तरह दिखते थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1931 को मुंबई में हुआ था और इनकी मृत्यु 2012 मुंबई में हुआ था।